यहां पर सभी सरपंच साहिबान जिन्होंने समर्थन दिया है, सारे दोनों ताऊड़ और सोना के सारे पार्षद जिन्होंने समर्थन दिया है, सारे वकील जिन्होंने समर्थन दिया है, क्षेत्र के सारे वकील और सभी समाज के पार्षद और मंचासीन सभी नेतागण, मेरे पिता दोनों बुजुर्गों व युवा साथियों, मेरी मातृशक्ति पत्रकार व छायाकार बंधुओं, मैं यहां आप सभी का सोना की शिवनगरी में पहुंचने पर भाई दुष्यंत चौटाला जी का और आप सभी का धन्यवाद करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आप सभी को मालूम है कि इस बार मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं था, बिल्कुल मैंने मना कर रखी थी, लेकिन इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जो क्षेत्र का अपमान किया और बाहरी विधायक हमारे ऊपर, हमारे क्षेत्र के ऊपर जाकर बैठा दिए 100 किलोमीटर दूर और 180 किलोमीटर दूर का, तो क्षेत्र के जो है लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक हमारे क्षेत्र की 36 बिरादरी की बहुत बड़ी पंचायत हुई और उसमें मुझे चुनाव लड़ने का आदेश दिया और मैंने वो स्वीकार किया। साथियों, जैसे ही ये पंचायत के बाद में भाई दुष्यंत चौटाला जी ने मुझ पर विश्वास किया, एक सिपाही पार्टी में एक सिपाही के नाते, और मुझे टिकट दिया और अब मेरे पास दो टिकट है साथियों, एक 36 बिरादरी की टिकट है और एक जेजेपी की टिकट है। साथियों, ये जो टिकट है दोनों, ये जो क्षेत्र का अपमान हुआ है उसका बदला लेने के लिए मुझे डबल टिकट दी गई है और ये बदला आप लोग लोगे, आप लोगों की टिकट है, आप लोगों का मान सम्मान की लड़ाई है, युवाओं के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इन्होंने जो 52 साल से हमारे क्षेत्र में एक ताड़ा लगा हुआ है, अगर हमारा क्षेत्र का आज तक विधायक नहीं बना, और एक तो वो ताड़ा इस चाबी से खुलेगा जो हमारा चाबी का निशान है जेजेपी पार्टी का, और इससे कई ताड़े खुलेंगे। एक हमारी पार्टी का अब तक जो है पार्टी का क्या कोई बनाई नहीं है, क्षेत्र का सीधी सी बात है, आज तक तो ये ताड़ा खोला, अगर एक इन्होंने जो नया ताड़ा लगा दिया, अब क्षेत्र में टिकट देनी बंद कर दी, एक ये ताड़ा भी जो 24 को खुल जाएगा, ये एक चाबी कई ताड़े खोलने का काम करेगी और आपके जो है आपके विकास का ताड़ा भी इसी चाबी से खुलेगा। ये चाबी का जो निशान है हमारा, आपसे सभी से अपील है कि भाई 21 तारीख को चाबी के सामने का बटन दबा के और अपना वोट डाल दो, आपके सारे तारे खुल जाएंगे, जो क्षेत्र का मान सम्मान है वो भी बरकरार रह जाएगा और इन दोनों पार्टियों को सबक भी मिल जाएगा। साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए ज्यादा अब आगे तो प्रचार से विस्तार पूर्वक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बताएंगे, मैं कुछ मैं भाई दुष्यंत जी को बताना चाहूंगा कुछ क्षेत्र की तरफ से हमारी जो डिमांड है। सोना तावड़ू में एक तो मेडिकल कॉलेज की कमी है जी, एक तो इसकी हमारी डिमांड है, अगर हमारी सरकार बनती है तो भाई दुष्यंत चौटाला जी इन आपकी मांगों को पूरा करें। प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, युवा दिनों की धड़कन हमारे युवा नेता माननीय दुष्यंत चौटाला जी से वो आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय दुष्यंत चौटाला जी, भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला।